आज हम चॉकलेट ब्राउनी बनाएंगे ऑरिक का हॉट चॉकलेट पाउडर को यूज करते हुए। बिना अंडा ओवन की इसको हम बना के तैयार करेंगे। आप इसका टेक्सचर देख सकते हो कितनी परफेक्टली ये बनी हुई है। और ये जो सारा ब्राउनी का पीसेस है इसको मैंने एक कप मैदे में बना के तैयार किया है। इसका टेक्सचर और कलर भी आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया बनी हुई है। ये जो हॉट चॉकलेट पाउडर है इसमें टेस्ट भी अच्छा आता है और कलर तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट और प्योर रहता है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ब्राउनी को बेक करने के लिए कढ़ाई में हम थोड़ा सा नमक ले लेंगे। नमक के ऊपर एक स्टैंड ऐड करेंगे, ये रेगुलर स्टैंड है। अभी हम कढ़ाई को कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए स्लो फ्लेम में इसको प्री हीट होने देंगे। पहले हम हाफ कप बटर ले लेंगे। ये जो बटर है सॉफ्ट है और रूम टेम्परेचर में है। इसको मैंने पहले से फ्रिज से निकाल के रखा था। बटर को थोड़ा सा मिला देंगे। बटर अगर सॉफ्ट नहीं होगा तो आपका बैटर अच्छे से नहीं बनेगा। बटर में यूज करेंगे हाफ कप कंडेंस मिल्क। आप कंडेंस मिल्क के बदले दो अंडे का भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये बिना अंडा वाला ब्राउनी है इसलिए मैंने कंडेंस मिल्क इसमें यूज किया है। अभी हम इसमें 2 टेबलस्पून मिलाएंगे शुगर पाउडर। शक्कर मैंने कम डाला है क्योंकि ऑलरेडी ये जो कंडेंस मिल्क है इसमें मिठास है। तीनों चीज़ को अच्छे से पहले मिला देंगे। बटर, कंडेंस मिल्क और शुगर पाउडर अभी ठीक से मिक्स हो चुका है। इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। मैदा को पहले से मैंने छान के रखा था। मैदे के साथ हम डालेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। उसके साथ पिंच अप डालेंगे हम बेकिंग सोडा। चुटकी भर बेकिंग सोडा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। अभी हम ऑरिक का हॉट चॉकलेट पाउडर इसमें डालेंगे। हॉट चॉकलेट पाउडर सिर्फ 3 टेबलस्पून ले लेंगे। इसको हम अच्छे से मिला देंगे। 1.5-2 मिनट इसको अच्छे से मिलाने के बाद बैटर अभी बन के तैयार है। एक 8 इंच वाला स्क्वायर शेप पैन को मैंने ऑलरेडी ग्रीस करके रखा है और उसके ऊपर एक बटर पेपर भी डाल के ले लिया है। इसमें हम बैटर को डालेंगे। पैन को थोड़ा सा टैप कर लेंगे। कढ़ाई अभी हमारा प्रीहीट हो चुका है तो स्टैंड के ऊपर हम रखेंगे हमारा जो बैटर वाला पैन को। कढ़ाई को कवर कर लेंगे। स्लो मीडियम फ्लेम में इसको 20 से 30 मिनट तक बेक होने देंगे। ऑरिक का हॉट चॉकलेट पाउडर जो कि डार्क चॉकलेट से बना हुआ है इसमें अश्वगंधा है। अश्वगंधा एक सुपर हर्ब्स है जो कि बहुत फायदेमंद है। उसमें स्ट्रेंथ और इम्यूनिटी को बिल्ड करता है, वैसे एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करता है, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। किड्स के लिए तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें हॉट और कोल्ड दोनों मिलकर हम बना सकते हैं। खाली बेवरेजेस नहीं, तरह तरह की बेकरी चीज भी इसमें हम बना सकते हैं। एक्चुअली नेट पे इसका पॉपुलरिटी देख के मैंने इसको ऑर्डर किया था। पता चला बाद में कि ये अफोर्डेबल भी है क्योंकि क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से बहुत कम रेट है। आप उनकी नेट पे जाके सर्च कर सकते हो उनकी साइट पे, या फिर अमेजन में भी अवेलेबल है। अगर हम ऑरिक का मेंबरशिप लेते हैं अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है हॉट बेवरेजेस पर, जैसे कि टी, कॉफी या ये वाला पाउडर हॉट चॉकलेट पाउडर। तो एक बार जरूर ट्राई करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चेक कर सकते हैं। चलिए अभी देखते हैं हमारा बेकिंग का जो डेजर्ट हम बना रहे थे वो कहां तक गया है। 25 मिनट के बाद ब्राउनी को चेक करेंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छे से बेक हो चुका है क्योंकि पैन की साइड से ये छूटता हुआ दिख रहा है। फिर भी इसमें एक वुडन स्टिक डाल के हम चेक करेंगे। ब्राउनी जब रूम टेम्परेचर में आ जाएगा उसको हम अनमोल्ड करेंगे। पहले हम चाकू से साइड का थोड़ा सा छुड़ा लेंगे। अभी हम ब्राउनी को एक प्लेट में ले लेंगे। बटर पेपर को निकाल देंगे। बहुत ही बढ़िया कलर आया है। अभी हम इसको पीसेस में कट कर लेंगे। हमने तो इसको बना दिए, अब देख सकते हैं कितनी परफेक्ट बनी हुई है और कलर कितना अच्छा है। सिर्फ 3 टेबलस्पून मैंने डाला था 1 कप पे। नॉर्मली जो हम ब्राउनी बनाते हैं ना उसमें 1 कप रिफाइंड फ्लोर पे
8 से 10 टेबलस्पून कोको पाउडर डाला जाता है, लेकिन ये जो प्रोडक्ट है इसको मैंने 3 टेबलस्पून डाला था, फिर भी अच्छा खासा बना हुआ है और बहुत स्पंजी। एक को टेस्ट करके देखते हैं। बहुत टेस्टी और सुपर बना हुआ है। अब भी सेम प्रोसेस में ब्राउनी का रेसिपी एक बार बनाए देखना, बहुत अच्छा बनता है। और उसमें ये जो ऑरिक का हॉट चॉकलेट पाउडर जरूर यूज़ करना, उसकी वजह से ही ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाए। ऑरिक का साइट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, एक बार चेक करें। अगर आपको रेसिपी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और राइट साइड में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने से मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी वो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाएगा।